अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर हादी हियर। आज आपको फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ाएंगे। जाहिर है ये चैप्टर कुछ डिले हो गया था, बीच में कुछ गैप्स आए थे, मुसरफियात की बिना पर मैं नहीं कर सका। सो आज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को मुकम्मल एक ही लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, एक्सेप्ट दो टॉपिक्स, सेल वॉल जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, दूसरा है फ्लैजेला और मोशन इन बैक्टीरिया, वो उसके लिए अलग लेक्चर होंगे। बाकी सारे मैं यहाँ पर एक ही लेक्चर में आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपने यही आपने तैयार करना है कि डायग्राम को आपको पता होना चाहिए और साथ साथ में इसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ यहां पर। और हाँ, बैक्टीरिया, आपको पता है कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये एक बात। नंबर दो, जो स्ट्रक्चर्स आप यहां पर व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि तमाम बैक्टीरिया में ये सब के सब मौजूद हों। बाज स्ट्रक्चर्स किसी एक बैक्टीरिया में होंगे तो बाज बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में नहीं होंगे। जैसे कि सेल वॉल, तकरीबन हर बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उसमें नहीं है। राइबोसोम सब बैक्टीरिया में है, एवरी बैक्टीरिया में है। क्रोमोसोम हर बैक्टीरिया में, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर है जो हर बैक्टीरिया में है। लेकिन वो स्ट्रक्चर्स जो किसी बैक्टीरिया में है किसी में नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कैप्सूल है, जैसे कि फ्लैजेलम है, ये जो फ्लैजेलम है ये बाज में है बाज में नहीं है, प्लाज्मिड बाज में है बाज में नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जनाब, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले ये जो ऊपर सबसे ऊपर जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर का जो बाउंड्री आप देख, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। और सेल वॉल के बारे में लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके, जस्ट टाइप करें सेल वॉल बैडेक्टर आदि आपके पास आ जाएगा। सेल वॉल के साथ हमने पढ़ा था कि ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, वो भी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेल वॉल के बाद जो दूसरा लेयर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है, जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर चीज़ों का अंदर आना और बाहर जाना कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी सब जो सेल मेम्ब्रेन है ये रेगुलेट करते हैं मूवमेंट को, चीज़ों की सेल के अंदर आने को और बाहर जाने को ये रेगुलेट करते हैं। दो लाइनों का डेफिनेशन है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मीजोजोम की तरफ। मीजोजोम क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन आप यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन का एक ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर की तरफ आकर थोड़ा अपने आप को जलेबी टाइप की तरह अपने आप को फोल्ड करके, फिर से इस तरह से फोल्ड करके, फिर से इस तरह से फोल्ड करके, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनवेजिनेट। ये जो इनवेजिनेशन है, जैसे मान के आई है, ये थोड़ा सा चेक करें, इनवेजिनेट का मतलब है अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाएगा और ये आपका मीजोजोम है, ठीक है। सो उसमें लिखा होता है इनवेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन है ये। तो इसका काम क्या है, मीजोजोम का फंक्शन है सेल डिविजन, जब बैक्टीरिया अपना सेल डिवाइड करते हैं, जब बैक्टीरिया अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए, यानी क्रोमोसोम, जब एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनेंगे, और फोटोसिंथेसिस, बाज बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं तो फोटोसिंथेसिस में भी मदद देते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट काम हो गए। इवन इसमें ट्रांसपोर्ट वाली बात भी मौजूद है कि ये कुछ इंजाइम को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि किसी मेटाबॉलिज्म में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जैसे कि हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं है वो काम कौन करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन पर करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बाज़ औक़ात स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर ये सेल किस तरह अपने लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका जवाब ये है कि इसमें मेटाबॉलिज्म है, एंजाइम है, वो सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर राइबोसोम की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। मैं साथ साथ इस पर टिक मार्क लगाता जाऊँगा, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब राइबोसोम की बारी है। छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर जैसे हमारे बॉडी में मौजूद थे, हम तो यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर भी दानेदार स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। और फ़र्क इन दोनों में क्या, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में ये फ़र्क है कि हमारे बॉडी के अंदर जो राइबोसोम था वो एटी सेव्ड बर्ग, एटी एस था,
इसका 70S इतना पता होना चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर जो राइबोसोम थे उसके भी दो टुकड़े थे, छोटा और बड़ा। बड़ा 60S का था, छोटा 40S का था। ये इसका छोटा टुकड़ा 30S का है और बड़ा टुकड़ा 50S का है, इतना सा फर्क है। काम राइबोसोम का क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि राइबोसोम चाहे हमारे सेल के अंदर हो या बैक्टीरिया में, वो क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं सेल वॉल भी, राइबोसोम भी हो गया। फ्लैजेलम, जैसे कि मैंने बताया था कि इस पर एक मुकम्मल लेक्चर आने वाला है फ्लैजेलम पर। तो फ्लैजेलम का काम क्या है? ये बैक्टीरिया को मूवमेंट में मदद देते हैं। आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि फ्लैजेला अंदर से किस चीज़ बना हुआ है, कैसे मूवमेंट करते हैं। यूकैरियोटिक में फ्लैजेला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में क्या फ़र्क है, और इस फ्लैजेला की मदद से कितने किस्म के बैक्टीरिया है, तो काफ़ी सारा लेक्चर उसमें आपको मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं कैप्सूल की तरफ। कैप्सूल बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर एक लेयर है, एक छिलका है। किस चीज़ का है? पॉलीसेकेराइड, यानी आपको पता है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है, या पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, या बर दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। ये एक पर्दा है। अब देखिए, कैप्सूल के साथ स्लाइम भी है। अगर आपकी किताब में स्लाइम लिखा हुआ है, स्लाइमी कैप्सूल या कैप्सूल लिखा, तो उसमें फ़र्क है। कैप्सूल उस वक्त कहा जाएगा अगर ये टाइट अटैच हो, टाइट TIGHT टाइट। अगर टाइटली अटैच है तो इसको आप कैप्सूल कहेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज योर कैप्सूल। ये पूरा जो रेड आप देख रहे हैं, दिस इज कैप्सूल। और अगर ये लूजली अटैच है तो ये फिर आप इसको क्या कहेंगे? स्लाइम कहेंगे। स्लाइम एंड कैप्सूल साथ साथ कभी आपको मिलेगा, फर्क उन दोनों में को मैंने बता दिया, ठीक है, लूज एंड टाइट का। अब इसका काम क्या है? कैप्सूल का काम यह है कि इसके अंदर वाटर है। इसके अंदर क्या है? वाटर है। ये इसके अंदर भी वाटर है, और ये अंदर जो सेल के अंदर जो वाटर मौजूद है, जो इसकी जिंदा रहने के लिए लाजमी है, तो ये वाटर को बाहर जाने से रोक देता है। खुश करना, ड्राई करना, इसको साइंस में डेसिकेशन बोलते हैं। तो डेसिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए, तो बैक्टीरिया का सेल को जिंदा रखने के लिए, पानी अंदर रहे, पानी बाहर ना जाए, बैक्टीरिया का सेल खुश्क ना हो जाए, ये कैप्सूल इसकी जो है प्रिवेंशन करते हैं। इसके अलावा जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है वो ज़्यादा बदमाश होते हैं, ठीक है, वो पैथोजेनिक होते हैं। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। दूसरा काम इसका क्या है? कैप्सूल का दूसरा काम क्या? अटैचमेंट। ये एक बैक्टीरिया ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, या दूसरा बैक्टीरिया है, या तीसरा बैक्टीरिया, तो एक बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं तो बीच में कुछ तो होगा, उसके लिए क्या यूज करते हैं? ये कैप्सूल को यूज करते हैं। ओके, अच्छा जनाब, ये भी हो गया, फ्लैजेलम भी हो गया, सेल मेम्ब्रेन भी हो गया, राइबोसोम भी हो गए। अब हम आ जाते हैं प्लाज्मिड की तरफ आएंगे। प्लाज्मिड से पहले, बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम पड़ा हुआ होता है। दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम। ये क्या है हमारे पास? क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद है, एक क्रोमोसोम है। और याद रखिए, ये क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? डीएनए पर। डीएनए क्या चीज़ है? इस पर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका, जस्ट आप लोग ये लिखे कि डीएनए बाय डॉक्टर हादी, आपके पास डीएनए सारा आ जाएगा, निकोलिक एसिड बाय डॉक्टर हादी आ जाएगा। ये क्रोमोसोम डीएनए से मिलके बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन नहीं है। अगर आप हमारे सेल की बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें, तो हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी है, डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी है, लेकिन बैक्टीरिया में डीएनए मौजूद है, प्रोटीन नहीं है। ये आपको मैंने बताना था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्रोमोसोम यानी ये बैक्टीरिया के सेल का ब्रेन है, जो इसके पूरे सेल को चला आ रहा है। जैसे हमारे सेल को न्यूक्लियस चला आ रहा है, इसको क्रोमोसोम चला आ रहा है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं है, क्रोमोसोम के आसपास कोई पर्दा मौजूद नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं यहाँ पर प्लाज्मिड के बाद। प्लाज्मिड को थोड़ा रहने दें। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये इलाका जो आप देख रहे हैं, ये इलाका जिसके अंदर क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, इस इलाके का नाम है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड रीजन को कहते हैं, रीजन जिस इलाके में क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, इसका नाम है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, नॉट न्यूक्लियस। अच्छा, ये भी हो गया। नाउ पाइलिक की तरफ आते हैं। बास बैक्टीरिया में होलो यानी अंदर से खाली, होलो यानी अंदर से खाली, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ बाज़ औक़ात इसके जो कैप्सूल है, कैप्सूल को क्रॉस करता हुआ बाहर की तरफ इस तरह से निकले हुए आपको नजर आएंगे, ऐसे।
ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है कैप्स पाइली, सिंगल पाइलस बोलेंगे, पाइलस सिंगल को, बहुत सारे को पाइली बोलेंगे, ठीक है। तो ये पाइली जो है ये एक खास किस्म के प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, उस प्रोटीन का नाम है पाइलिन प्रोटीन, पाइलिन प्रोटीन उसका, उस प्रोटीन का नाम है। और इसका काम क्या है, इसका एक काम है अटैचमेंट टू द होस्ट। जब बैक्टीरिया सेल किसी होस्ट, होस्ट मतलब जिसके अंदर ये रहता है, इंसान भी हो सकता है, उसके सरफेस के साथ अटैचमेंट के लिए पाइली यूज करते हैं, नंबर वन। नंबर दो कंजुगेशन। व्हाट इज कंजुगेशन? कंजुगेशन में एक बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे बोले सपोज ये एक बैक्टीरिया है और ये मेरे पास दूसरा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास भी डीएनए मौजूद है और इस बैक्टीरिया के पास भी डीएनए मौजूद है। तो जब एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरी बैक्टीरिया को देना चाहेगा, किस्म का मेटिंग है, एक किस्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं, तो डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में जाने के लिए एक छोटा सा पाइप को यूज किया जाता है, उस पाइप का नाम है कंजुगेशन ट्यूब, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंजुगेशन। और इस प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व है, ये आपका पाइली इन्वॉल्व है, क्योंकि जो पाइली है ये लंबा सा ट्यूब बनाएगा और दूसरे बैक्टीरिया के साथ अपना डीएनए दे देगा। या ऐसा है जैसे कि वो स्पेस में एक जहाज का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो फिर एक बहुत बड़ा सा उन्होंने स्टेशन बनाया होता है, तो वो स्टेशन में जहाज पहुंच कर वहां से, खासकर ये जो लड़ाका तैयारे जो होते हैं वो पाइप के जरिए जाकर उसके साथ पाइप अटैच करते हैं और वहां से पेट्रोल लेना शुरू कर लेते हैं। सो ये पाइली का काम हुआ। अब हम बताते थे प्लाज्मिड की तरफ, देखो जिस तरह हमारी बॉडी में दिफाई निज़ाम है प्रोटेक्शन के लिए, हमारे जिस्म में प्रोटेक्शन का निज़ाम, बैक्टीरिया के पास बिल्कुल इसी तरह का दिफाई निज़ाम है जो बैक्टीरिया की हिफाजत करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से हिफाजत करते हैं। वो क्या है, वो है प्लाज्मिड। वो क्या है, वो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, जैसे कि ये एक डीएनए है, प्लाज्मिड बजात खुद एक डीएनए है, मतलब आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में दो तरह के डीएनए है, एक क्रोमोसोम वाला डीएनए है, एक प्लाज्मिड के अंदर डीएनए है। लेकिन प्लाज्मिड वाला जो डीएनए ये गोल है, सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए का क्या काम है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की हिफाजत कैसे करते हैं? देखो बैक्टीरिया का खतरा किस चीज़ से है, बैक्टीरिया को इसका दुश्मन क्या है, कोई हैवी मेटल, हैवी मेटल पुराने जमाने में लोग हैवी मेटल जैसे मरकरी है, लेड है, उसे बैक्टीरिया को किल कर देते थे, हैवी मेटल्स। तो आजकल बैक्टीरिया पर हैवी मेटल अगर किसी बैक्टीरिया पर हैवी मेटल काम नहीं कर रहा, हैवी मेटल उससे बैक्टीरिया को बिल्कुल किल नहीं कर रहा, इसका मतलब यह कि बैक्टीरिया ने उसके खिलाफ एक दिफाई निज़ाम बनाया हुआ है, कि दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया की हिफाजत करते हैं, वो जीन कौन से जीन्स होते हैं, रेजिस्टेंट जीन, यानी प्रॉब्लम से बचने के लिए जीन्स होते हैं। कौन से रेजिस्टेंट जीन होते हैं, हैवी मेटल से रेजिस्टेंट जीन, इंसेक्ट्स भी इस पर अटैक नहीं कर सकते हैं, केमिकल्स, कोई दवाई है। आजकल आप देख रहे हैं एक दवाई आप मरीज को देते हैं, वो मरीज ठीक नहीं हो पाता, बैक्टीरिया ने उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बनाया होता है, जख्म बनाया होता है, तो आप दवाई देते हैं वो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो दवाई है वो केमिकल है, वो दवाई सेल के अंदर आकर प्लाज्मिड अपने जीन की मदद से दवाई को पंप आउट कर लेता है, वो दवाई अंदर ही नहीं देते, इसीलिए तो बैक्टीरिया आजकल बहुत बदमाश हो गए हैं।